हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन 5 का ई मतलब न्यूमेरिकल का 5th क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेज द ग्राउंड इन 1 सेकेंड, अज्यूमिंग जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड हाइट ऑफ द टेबल। ठीक है, हम लोगों को दो चीजें कैलकुलेट करनी है। पहले हम लोग निकाल लेते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, पहले हम लोग निकाल लेते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो गिवन निकालते हैं। तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है, पहले तो हम लोग को टाइम दिया है कितना, 1 सेकेंड। ठीक है, अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेज द ग्राउंड इन 1 सेकेंड, ये हम लोगों को पहले दिया हुआ है। सेकेंड क्या दिया हुआ है, जी इज इक्वल टू कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 ही मीटर पर सेकेंड लेंगे। अगर नहीं दिया है तो आपको लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोगों को मालूम है वो ऊपर से नीचे गिर रहा है। ठीक है, अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल, ठीक है, टेबल पे से नीचे गिर, तो ऊपर से नीचे गिरते समय यू का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हम लोगों को 3 डेटा मिल गया, टी, जी और यू का। ठीक है, ठीक है, तो हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। ठीक है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है एंड हाइट ऑफ द टेबल। ठीक है, तो कितने हाइट्स हम लोगों ने छोड़ा वो भी हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हाइट कैलकुलेट करेंगे कौन से फॉर्मूले से, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अज्यूम क्या करना है, अज्यूमिंग ए इज इक्वल टू जी। ठीक है, ए को हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, जी अज्यूम करेंगे, क्योंकि हम लोग ग्रेविटी का सवाल कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें आप वैल्यू रखते हैं, एस का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है, यू का वैल्यू कितना है, 0, टी का वैल्यू 1, ठीक है, प्लस 1/2, जी का वैल्यू क्या दिया है, 10, और टी का वैल्यू फिर से क्या दिया है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, आगे करेंगे तो 0 × 1 0 हो जाएगा, तो 1/2 × 10 तो 10/2 हो जाएगा, इंटू 1 का स्क्वायर तो कुछ बदलाव होगा नहीं। ठीक है, तो ये 10/2 हो जाएगा, तो एस का वैल्यू कितना हो गया, 10/2, तो फाइनल एस का वैल्यू हम लोगों को मिल गया 5 मीटर। कितना मिल गया, 5 मीटर्स। ठीक है, तो हम लोगों को पहला वैल्यू मिल गया एस का वैल्यू। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, उसकी हाइट क्या कैलकुलेट करेंगे, उसकी हाइट। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इसका फटाक से एक स्नैपशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, इसका स्पीड क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड। ठीक है, कितनी स्पीड पे ये ग्राउंड पे पहुंच रहा है, मतलब फाइनल स्पीड हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग उसको किससे कैलकुलेट करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो वी स्क्वायर का हम लोगों को वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो यू स्क्वायर का मतलब 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 AS। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 G। जी का वैल्यू क्या है, जी का वैल्यू है 10। ठीक है, और एस का वैल्यू कितना आ गया है, 5। ठीक है, तो ये 0 का 0 हो जाएगा, 2 × 10 20 × 5 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 100। अगर हम लोग इसका स्क्वायर रूट लेंगे, वी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा वी। ठीक है, और 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 10। तो मतलब वी का वैल्यू कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वी का वैल्यू कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिख दोगे टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आप लोगों को फुल फॉर्म लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे एफ क्वेश्चन के साथ। ठीक है, क्वेश्चन 5 का एफ करेंगे आगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का एफ। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया, द मासेस ऑफ द अर्थ एंड मून आर 6 × 10⁴ kg एंड 7.4 × 10⁻²⁰ kg रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू। ठीक है, तो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कैलकुलेट करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसके लिए हम लोग पहले गिवन निकाल लेंगे, तो मास ऑफ अर्थ। ठीक है, तो मास ऑफ अर्थ यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 6 × 10⁴ kg। ठीक है, अब मास ऑफ मून कितना दिया है, मास ऑफ मून इक्वल टू
7.4 इंटू 10^22 kg, ये दोनों मिल गया। अब हम लोग देखेंगे दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3.84 इंटू 10^5 किलोमीटर। यहाँ पर क्या किस में दिया है, किलोमीटर में, पर एसआई में क्या एक्सेप्टेड है, मीटर। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको किलोमीटर से मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इक्वल इक्वल टू का साइन लगाएंगे, तो 3 × 84, ठीक है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में हो जाएगा, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10^5 का 10^8 बन जाएगा और ये मीटर में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, पहले गिवन निकाल लिया। अब हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, तो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे एफ इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर वाला, ठीक है। तो अब सब फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। तो जी का वैल्यू हम लोगों को पहले से पता है, तो क्या है, 6.67 × 10^-11, ठीक है। अब रखेंगे अर्थ का मास, तो अर्थ का मास कितना है, 6 × 10^24, और अब रखेंगे मून का मास, तो मून का मास कितना है, 7.4 × 10^22 kg, ठीक है। ये हम लोगों ने रख दिया इसका वैल्यू। अब क्या बचा है, आर स्क्वायर, ठीक है। आर का वैल्यू कितना है, 3.84 × 10^8, ये क्या है, आर का वैल्यू, पर इसका स्क्वायर है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया, हम लोगों ने वैल्यू रख दिया। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, इसमें इस क्वेश्चन में मेनली वो क्या चेक करेंगे, इस क्वेश्चन में मेनली वो क्या चेक करते हैं, आपका कैलकुलेशन कितना अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या करेंगे, 10^2 को साइड में कर लेंगे, तो एक ये है 10^2, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो तीनों को साइड में करके लिख लेंगे, तो क्या बन जाएगा, 6.67 × 6 × 7.4। पहले हम लोगों ने वैल्यूज ले ली, अब वो 10^2 को साइड में हटा देंगे, ठीक है। तो ये 10^-11 पहला वाला हो गया, और सेकंड वाला हो गया 10^24, और थर्ड हो गया 10^22, ठीक है। अपॉन में क्या है, अभी अपॉन में भी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपॉन में भी क्या करते हैं, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, 3.84 × 3.84, ठीक है। 10^8 × 10^8 कितना हो जाएगा, 10^16, ठीक है। ये हम लोगों का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को इवेल्यूएट कर देंगे, ठीक है। 24 + 22 कितना हो जाएगा, 46 46 - 11 35 हो जाएगा, ठीक है। तो 6.67 × 6 × 7.4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा इन तीनों का, × 10^35, ठीक है। अब हम लोग अपॉन में ले लेते हैं इन सब का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाने के बाद ये 10^16 का क्या हो जाएगा, × 10^-16 हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर क्या बचेगा, 3.84 × 3.84, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको वापस से सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 6.67 × 6 × 7.4 × 35 - 16 कितना हो जाएगा, 10^19, ठीक है, अपॉन 3.84 × 3.84। अगर हम लोग इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 2.017 × 10^20, ठीक है। ये हम लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एफ इज इक्वल टू 2.17 × 10^20, ठीक है। तो ये हम लोगों को आ गया फाइनल आंसर, ओके। आसान सा सवाल है फ्रेंड्स, खाली यहाँ पर आपका कैलकुलेशन चेक करेंगे और कुछ नहीं, खाली लेंदी है पर आसान है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद एक और सम है फ्रेंड्स, सेम टू सेम ऐसा ही है, वहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस और बाकी का वैल्यू आप लोगों को दिया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। वो वाला सम आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट।